नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। विकास कार्यों संबंधी सुझाव सीधे सरकार को भेजे जा सकेंगे। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में ग्रामीणों के विकास संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की विकास कार्यों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल तैयार किया गया है। ये एक सुगम तरीका रहेगा जिससे कहीं पर भी बैठ करके अपनी मांग, सुझाव और शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विभाग की 5 कामों की प्राथमिकताएं तय करें ताकि ग्रामीणों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और सुझावों का निवारण ग्रामीण विभाग की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना होगा। ग्रामीणों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों को CM विंडो के साथ लिंक किया जाएगा ताकि शिकायतों का दोहराव न हो सके। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण दर्शन पोर्टल पर लिंक जन सहायक ऐप के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए। ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास के गांव, जिसके संबंध में शिकायत, सुझाव और मांग दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य तथा विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र में ही सुझाव तथा डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जन प्रतिनिधि प्रस्तुति के आधार पर आगे बढ़ा सकेंगे। पोर्टल पर सुझाव, शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक ID जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को SMS के माध्यम से मिल पाएगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव, शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट भी मिलती रहेगी। आवेदक को ग्राम दर्शन पोर्टल पर शिकायत, सुझाव दर्ज करते समय कम से कम 50 अक्षरों में अपनी बात कहनी होगी। इसके अलावा आवेदक फोटो अपलोड करके अपनी समस्या, सुझाव सरकार को दे सकेंगे। केवल वही आवेदक इस पोर्टल पर शिकायत कर सकेगा जिसका परिवार पहचान पत्र होगा।